जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लैशर फिल्म स्टॉन्टन हिल के बारे में। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1969 वर्जीनिया दिखाया जाता है, जहां पे 5 कॉलेज स्टूडेंट्स वाशिंगटन जा रहे थे राइड्स के लिए। इनके नाम होते हैं कोल, जॉर्डन, बून, राइना और ट्रिश। ये पांचों किसी से लिफ्ट लेके एक गैराज में पहुंचते हैं रेंटल कार लेने के लिए। कोल और बूनी उस गैराज के मालिक के पास जाके पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई रेंटल कार है। तो वो बूनी का रंग देख के उस पे गलत कमेंट पास करता है। ये देख के कोल उसे कहता है कि हम सभी इंसान हैं, तो उसे ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो आदमी काफी ढीठ होता है जो बूनी को घूरे जा रहा था, इसीलिए बूनी वहाँ से चला जाता है और कोल उससे डील करता है। उस गैराज का मालिक उनसे कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और आदमी आया था जिसने वो कार ले ली है। तभी वो आदमी फिर वहाँ आता है जिसका नाम क्विंटन था। जब वो कोल और उसके दोस्तों को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो गाड़ी शेयर कर सकते हैं। ये सुन के कोल काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अकेले चले जाएंगे। क्विंटन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो कोल राजी हो जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को उस गाड़ी में बैठा देता है और वो सभी वाशिंगटन जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कोल और जॉर्डन और बूनी और रायना कपल्स थे, और ये सभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके काफी खुश थे। क्विंटन ट्रिश से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रिश उसे बताती है कि वो लोग वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि वो राइड्स में पार्ट ले सके। अभी उनकी गाड़ी के इंजन से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है। ये देख के वो सभी उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं होती। क्विंटन उन्हें कहता है कि यहाँ पास ही में एक फार्म है, तो उन्हें वहाँ चल के रुकना चाहिए। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता कि पास ही में एक फार्म है, लेकिन उनके पास कोई और सहारा नहीं था, तो वो लोग उस फार्म में जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर इनके पास कैश करो ऐप होता तो ये उससे तुरंत पैसे कमा के दूसरी कार बुक कर सकते थे, क्योंकि कैश करो ऐप की मदद से आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी हर एक परचेज पे आपको कैश बैक भी मिलता है, चाहे आप अमेज़न से शॉपिंग करें, चाहे मिंत्रा से, अजियो से करें या फ्लिपकार्ट से, यहाँ तक कि मोबाइल रिचार्जेस पर भी आपको गारंटीड कैश बैक मिलता है। कैश करो ऐप को यूज करना बहुत इजी है, बस डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए, और इस लिंक से साइन अप करते ही आपको 25 रुपए मिल जाएंगे। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां साइन अप करते वक्त आप हमारा कोड Ranger25 जरूर डालिएगा, जिससे आपके अकाउंट में तुरंत 25 रुपए आ जाएंगे। फिर किसी भी वेबसाइट को सेलेक्ट करें, फिर ऑरेंज बटन पर टैप कीजिए, जिससे आप सीधा उसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बस जैसे ही आप रेगुलरली शॉपिंग करते हैं वैसे कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड कीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैश बैक चेक कर सकते हैं। जब आपका कैश बैक कन्फर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करें और शॉपिंग करके पैसे कमाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब ये सारे लोग उस फार्म में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो फार्म काफी बड़ा है। वो उस फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, मानो कि वहाँ पे कोई भी ना रहता हो। इधर क्विंटन एक कमरे में होता है और किसी से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो उन लोगों को यहाँ ले आया है और वो सभी जगह को चेक कर रहे हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि क्विंटन किसी मकसद से उन्हें यहाँ लाया है। फिर हमें एक पागल लड़का दिखाया जाता है जो उसी फार्म में रहता था। वो अपने गुड्डों के साथ खेलते हुए काफी अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। क्विंटन इन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और इनसे कहता है कि अब रात होने वाली है, तो क्यों ना वो इसी फार्म में रात गुजारे और अगली सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्विंटन की ये बात सुन के उन्हें लगता है कि शायद क्विंटन ठीक कह रहा है, और वो लोग उस फार्म हाउस के अंदर जाके रेस्ट करते हैं। ये सभी लोग अपना अलग कैबिन ले लेते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। फिर हमें उस फार्म के ओनर दिखाए जाते हैं, जो कि मदर और उसकी बेटी थी। वो लोग टीवी में यूएसए के राइड्स देख रहे थे और वो देख के उन्हें काफी गुस्सा आता है। तभी बडी वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि बडी मदर का बेटा है। वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ खाने से पहले वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद ग्रैंड मदर अपनी बोतल निकालती है पीने के लिए, तो उसकी बेटी उसके हाथ से वो बोतल छीन लेती है और उससे कहती है कि वो बूढ़ी हो गई है, तो वो पीना बंद करे। ये सुन के उसकी माँ उसे बहुत डांट लगाती है, लेकिन वो उसे बोतल नहीं देती। इधर क्विंटन और ट्रिश अलग होते हैं और ट्रिश को काफी ठंड लग रही थी। ये देख के क्विंटन उसे वीड ऑफर करता है और उससे कहता है कि ये उसे वार्म रखेगी। ट्रिश वो वीड पी के हाई हो जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। क्विंटन जब बाहर देखता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो तुरंत कोल और जॉर्डन के पास जाके उनसे कहता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, तो क्यों ना कल सुबह वो उसे ठीक करे और उसे लेके यहाँ से निकल जाए। वो ट्रक देखने के लिए कोल और जॉर्डन उसके साथ बाहर जाते हैं, जहाँ कोल
शाम में लगी तार को क्रॉस करके उस ट्रक के पास चला जाता है। जॉर्डन जब उस पार जाना चाहती है तो वो गलती से तार को छू देती है जिससे उसे बहुत तेज करंट लग जाता है। क्विंटन ये देख के उसके हाथ पे पट्टी बांध देता है और उसे संभालता है। वो उनसे कहता है कि क्यों ना कल सुबह वो इस ट्रक को ठीक करे क्योंकि रात को यहाँ पे कुछ सेफ नहीं है। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो कोई और नहीं बल्कि बड़ी था। जब कोल बड़ी से बात करने जाता है तो बड़ी उसे देख के एक मुक्का मारता है जिससे कोल की नाक टूट जाती है। ये देख के बूढ़ी बड़ी पे हमला कर देता है तो बड़ी उसे भी मारता है। तभी बड़ी की माँ वहाँ आके उनका झगड़ा छुड़ाती है। वो उनसे कहती है कि उसके बेटे का दिमाग बच्चों वाला है इसीलिए उसने ऐसी हरकत करी। वो उन लोगों से माफी मांगती है तो वो लोग उसे माफ कर देते हैं। वो उनसे ये भी कहती है कि वो लोग उनके मेहमान हैं तो क्यों ना वो उनके साथ नाश्ता करें। ये सुन के वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सभी बहुत भूखे थे। उनके जाने के बाद क्विंटन मदर को इशारे करता है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। बड़ी उन सबके लिए खाना लेके आता है और वो सभी उसे चाव से खाते हैं। दोस्तों ट्रिश को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो अपने दोस्तों को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के बूनी और रैना उस ट्रक को ठीक करने जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। कोल्ड और जॉर्डन बड़ी के पास जाके उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वो उससे डरे। बड़ी जॉर्डन की खूबसूरती देख के उससे काफी शर्माता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। जॉर्डन उसे हाँ कह देती है तो बड़ी उसे अपना एक गुड्डा देता है। ये देख के कोल समझ जाता है कि उसे जॉर्डन पसंद आ गई है और उसके बाद वो उस ट्रक को ठीक करने के लिए जाता है। जॉर्डन रैना को बताती है कि उस क्रीपी इंसान ने उसे अपना दोस्त बनाया है। ये सुन के रैना उस पे हंसने लगती है और उससे कहती है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। दोस्तों फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था और उसकी एक टांग कटी हुई थी। इधर ट्रिश उनके घर जाती है जहाँ मदर उसे रिसीव करती है। ट्रिश उसे कहती है कि उसे प्रेशर आया है तो क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकती है। ये सुन के मदर उससे कहती है कि उनका वॉशरूम बहुत गंदा है और वो नहीं चाहती कि कोई मेहमान उनका गंदा वॉशरूम देखे। वो उससे कहती है कि फार्म के पीछे की तरफ एक वॉशरूम है जो कि बहुत ज्यादा क्लीन है तो क्यों ना वो वहाँ पे चली जाए फ्रेश होने के लिए। ये सुन के ट्रिश उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। ट्रिश जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे बड़ी है जो एक मैनिक्विन को देख के मैस्टरबेट कर रहा है। तभी बड़ी उसे देख लेता है तो ट्रिश वहाँ से भाग जाती है। वो एक पुराने फार्म हाउस में पहुँच के एक वॉशरूम की तलाश करती है लेकिन उसे वॉशरूम कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक कमरे में पहुँच जाती है जहाँ कई सारे औजार मौजूद थे। उसे वहाँ पे एक किताब भी मिलती है जिसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर्स लिखे थे। ये देख के वो समझ जाती है कि ये स्लॉटर हाउस है और यहाँ पे इंसान की बॉडीज की तस्करी होती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है तो बड़ी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ट्रिश उससे कहती है कि वो उसे जाने दे लेकिन वो एक हथौड़े से उसके सर पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को टेबल पे लिटा के उसे बांध देता है। वो एक ब्लेड से उसके हाथ पैर और गला काट देता है और ब्लड लॉस होने की वजह से ट्रिश की मौत हो जाती है। उसके बाद वो ट्रिश का गला घर से अलग कर देता है और उसके बॉडी की पूरी चमड़ी निकाल लेता है। इधर बूनी और रैना जब घूम रहे होते हैं तो उनके सामने मदर आ जाती है जो उनसे कहती है कि उनके लिए लंच भी उन्होंने तैयार कर दिया है। ये सुन के बूनी उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो अपनी गन निकाल के बूनी की टांग पे शूट करती है जिससे बूनी की टांग कट जाती है। ये देख के रैना रोने लगती है तो वो उस बंदूक से रैना के सर पे मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन उस गैराज में क्यों गया था। दोस्तों क्विंटन उस गैराज में बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर देने गया था क्योंकि वो गैराज का मालिक उनका सप्लायर था जो उनके लिए बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता था। वो उसे कटी हुई टांग और इंसान की चमड़ी का ऑर्डर देता है तो वो गैराज वाला उसे कहता है कि उसे खुद ही कुछ लोगों को वहाँ ले जाना होगा ताकि उसका काम आसान हो सके। इसीलिए वो प्लान करके उन लोगों को यहाँ लाया था ताकि वो उनके बॉडी पार्ट्स खरीद सके। इधर कोल और जॉर्डन देखते हैं कि बाहर से उनके फार्म का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर देखती है जहाँ बड़ी ट्रिश की बॉडी को सुअरों को खाने के लिए दे रहा था। ये देख के वो बहुत डर जाती है और ये बात कोल और क्विंटन को बताती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर बूनी और रैना को उन लोगों ने स्लॉटर रूम में बांध रखा था। तभी बड़ी वहाँ आता है जो रैना के पास जाके उसके माथे पे एक चीरा लगाता है और उसके सर का पूरा स्कैल्प निकाल लेता है। रैना के साथ ये होता देख के बूनी काफी रोता है और बड़ी से कहता है कि वो ऐसा ना करे लेकिन बड़ी जरा भी नहीं रुकता और रैना का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां बाहर निकाल लेता है जिससे रैना की मौत हो जाती है। इधर क्विंटन को और जॉर्डन को एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। क्विंटन उन्हें कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो उनका साथ नहीं देना चाहता। वो उन दोनों को छोड़ के भाग जाता है जिससे उन दोनों को काफी बुरा लगता है। तभी वो दोनों बूनी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो स्लॉटर रूम के बाहर
जाते हैं। वो खिड़की से देखते हैं कि बड़ी ने रैना को मार दिया है और बुनी को उन्होंने बांध रखा है। तभी मदर और ग्रैंड मदर वहाँ आते हैं और बुनी को रोता देख के वो उसे शांत कराते हैं। वो उससे कहते हैं कि ईश्वर ने उसके शरीर को चुना है ताकि वो किसी और के काम आ सके। ये कह के ग्रैंड मदर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी बड़ी कोल और जॉर्डन को देख लेता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि वो दोनों बाहर निकल गए हैं। ये सुन के उसकी माँ उसे उन्हें पकड़ने के लिए कहती है तो बड़ी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। जॉर्डन वहाँ से भाग निकलती है लेकिन कोल को बड़ी पकड़ लेता है। तभी मदर कोल को भी एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। मदर बड़ी को भेजती है जॉर्डन को पकड़ने के लिए तो बड़ी अपना ट्रक लेके उसके पीछे जाता है। भागते हुए जॉर्डन एक ट्रैप में फंस जाती है जिससे एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। तभी वो घासों में जाके छुप जाती है और वो सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने ही वाली होती है कि तभी जॉर्डन उसकी छड़ी पकड़ लेती है। तभी जॉर्डन को वहाँ एक चाकू मिलता है जिससे वो ग्रैंड मदर को स्टैब करके उसे मार डालती है। बड़ी जो अपनी ग्रैंड मदर की लाश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जॉर्डन को पकड़ लेता है और उसे स्लॉटर रूम में ले आता है। जब वो जॉर्डन के शरीर को काटने वाला होता है तो उसे उसकी जेब में उसका गुड्डा मिलता है जो उसने उसे एक दोस्ती की निशानी के तौर पे दिया था। ये देख के वो जॉर्डन को मार नहीं पाता क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। उसकी मदद करने के लिए वो उसे उठा के फार्म से दूर ले जाता है ताकि वो उसे एक सेफ जगह पहुंचा सके और वो वहां से भाग सके। तभी क्विंटन ये देख लेता है तो भाग के बड़ी पे हमला कर देता है जिससे बड़ी और वो एक इलेक्ट्रिक जाली पे जा टकराते हैं और शॉक की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की का पैर कटा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए नए पैर की डिलीवरी हो गई थी। दोस्तों वो पैर किसी और के नहीं बल्कि ट्रिश के ही थे, यानी यहीं से उन्हें ऑर्डर आया था उस पैर के लिए। अगली सुबह उस गैराज के मालिक को रास्ते में जॉर्डन मिलती है। वो उसे उठा के अपने ट्रक में रख देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन भी उस फैमिली का मेंबर है, यानी वो बड़ी का रियल भाई है और वो सभी उसी की प्लानिंग थी क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर उन्हें आया था। उसने इन लोगों को लिफ्ट दी और जानबूझ के इन्हें फार्म में बुलाया ताकि वो इन्हें मार सके और इनके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर सके। इधर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में उसने जॉर्डन को रखा है उसी ट्रक में क्विंटन भी बैठा है, यानी जॉर्डन भी बच नहीं पाई है और उसे भी मार के वो उसके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और हाँ, कैश करो ऐप ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। फ्री का पैसा है, घर बैठे बैठे कमाओ। दोस्तों कैश करो ऐप को आपको लिंक से डाउनलोड करना है या तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों साइन अप करते वक्त हमारा कोड Ranger25 जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि इससे आपको तुरंत ₹25 का साइन अप बोनस मिल जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।